तो गाइज ये रहा अपना स्नोबोर्ड, लड्डू खा ले, नाक से मार रहा है। और मैंने ना 4H लगाया हुआ था, हाई गियर और एक्सीलेटर, फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखा था और एक्सीलेटर बिल्कुल नॉर्मल दिया था स्मूथली। हम लोग रुके हुए हैं एवलांच वाले एरिया में और ना गाड़ी मैंने लगा दी है बिल्कुल सेंटर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार अभी मैं आ चुका हूँ जीजू के ऑफिस में। एक्चुअली ना मोनिक गाड़ी मैंने यहीं पे बाहर पार्क की हुई थी रात को, तो अभी मैं और मोनिका जा रहे हैं मार्केट। मैं जा रहा हूँ बांग को, मेरे को सेलेंसर का काम भी करवाने को है, ऊपर से ना डॉग्स के लिए मेरे को सेरेलैक वगैरह लेने को है और दवाइयाँ भी थी थोड़ी सी, वो भी लानी है। और मोनिका को मेरे को ड्रॉप करना है मार्केट और टाइम अभी हो चुका है अराउंड 12:54। सुबह से लेके एडिटिंग कर रहा था मैं, एडिटिंग का काम मैंने कंप्लीट किया, पपीज़ को मैंने दवाइयाँ वगैरह दी, सब कुछ किया, सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए और अभी निकलते हैं यहाँ से और आज का दिन करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो यार अभी मैं तो निकल रहा हूँ मार्केट के लिए ना, और ये तीनों जा रहे हैं स्नोबोर्डिंग करने। कहाँ जा रहे हैं? आमटा जा रहे। तो यार मैं भी जाएगा स्नोबोर्डिंग करने 3-4 दिन के बाद ना, पहले सारे काम कंप्लीट कर देता हूँ ना, उसके बाद स्नोबोर्ड तो मेरा रेडी है, निकलेंगे सेतन को स्नोबोर्डिंग करने के लिए। यार बहुत अजीब साउंड आ रहा है गाड़ी से, पता है सबसे पहले तो मेरे को ये ठीक करवाना पड़ेगा। चलिए जी, तो यार अभी आ चुका हूँ मैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के लिए। और ना मेरे को सीरियसली बताता हूँ आपको, ये वाला जो डेंट है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, और यहाँ तक आ गया देखो क्रैकिंग ना, ये इतना वाला एरिया ना पूरा रिपेयर होगा। देखते हैं यार अभी टाइम पास के लिए तो स्टिकर वगैरह लगा दूंगा इसमें ना, क्योंकि सर्दी में तो डेंट लगते ही रहते हैं, बाकी गर्मी में करेंगे इसको। तो यार अभी ना मैं मार्केट आया था मोनिका को छोड़ने के लिए, और मैंने कहा अमित भाई से मिल के जाता हूँ। अमित भाई हाउ आर यू, बड़े दिन बाद दिखे। यार वेदर आप सामने देख सकते हो, अटल टनल के साइड ना बर्फ लगी हुई है। तो गाइस अभी मैं ना बांग आ गया था सेलेंसर का काम करने के लिए, तो अभी ना एक तो मेरे यहाँ पे नट ढीला है सेलेंसर का और नीचे से भी नट ढीला है, तो ये काम करेंगे और उसके बाद प्लान है कुछ ना, पहले ये काम कर लेते हैं उसके बाद अपना दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइस जो ऊपर वाला साउंड आ रहा था ना वो आ रहा था इसकी वजह से, ये टूट गया था यहाँ पे, तो हम लोगों ने कर दिया ठीक ना। बाकी जो नीचे मेरा सेलेंसर है वो क्रैक आ गया है, सेलेंसर ना बीच से ही टूट गया, तो वो उसमें टाइम भी लगेगा, ऊपर से वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, सेतन को पहले सेतन जाके आते हैं ना, उसके बाद कराते हैं वाला काम। तो गाइज अभी मैं घर पहुंच गया हूँ और ना दवाइयाँ मैं ले आया था, दवाई छोड़िए घर पे ठीक है। अब इसके बाद निकल रहे हैं हम लोग सेतन को छोटी सी गेड़ी में आने के लिए, और ना कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होगी वहाँ पे, अगर ये कपड़े पहन के गया ना तो मैं गीला हो जाऊँगा। और ना जल्दी जल्दी निकलता हूँ कपड़े चेंज करके, क्योंकि ना जीजू भी ऊपर वेट कर रहे हैं और टिंकू करण वगैरह निकल चुके हैं स्नोबोर्ड लेके, और वो पहुँच गए ऊपर, हम निकलेंगे अभी यहाँ से। अभी रेडी होके मैं आ चुका हूँ और जीजू और मैं निकल रहे हैं, अभी सिर्फ हम दोनों ही निकल रहे हैं, बाकी टिंकू वगैरह तो ऊपर पहुँच गए। मैं ना दूसरी कैप मैंने चेंज कर ली है क्योंकि सेतन में ना ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्राउजर भी चेंज कर दिया, शूज़ भी वाटर प्रूफ, और यहाँ से रेडी हम लोग बिल्कुल निकलने के लिए। और गोप्रो मैंने लगा दिया है आगे, बढ़िया बढ़िया शॉट्स लेंगे आज। उस दिन जब हम लोग यार कोठी गए थे ना, बर्फ पड़ रही थी, शॉट्स अच्छे नहीं आए क्योंकि बर्फ लेंस के ऊपर आ रही थी, बट आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, बर्फ नहीं पड़ रही है। अभी आ गया हूँ मैं विदु भाई के पास ना हल्का सा पानी मारने के लिए, क्योंकि शूट कर रहा हूँ ना तो शीशा गंदा है मेरा बहुत ज्यादा। बस अभी सेतन के लिए हम लोग हो चुके हैं एंटर, और ना ऊपर मेरे को वेदर खराब दिख रहा है, बताए यहाँ पे तो धूप है बट ऊपर ऊपर मेरे को खराब दिख रहा है। अब ऊपर जाके देखते हैं, मजा आने वाला है काफी आज। अभी ना हम लोग पहुंच चुके हैं कर्व नंबर 20 में, और जैसे कि आप देख सकते हो धूप लगी हुई है ना, लेकिन पता है क्या, जहां पे मैं खड़ा हूं ना यहां पे बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, और उस साइड से पता है बर्फ पड़ रही है वहां पे, वेदर देखो आप। और कैमरा में पता नहीं ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना, क्योंकि छोटी छोटी फ्लेक्स आ रही है, बट बहुत स्पीड में लगी हुई है बर्फ। बर्फ ना स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक मैंने 4x4 एंगेज नहीं किया हुआ है, देखते हैं 4x2 में निकलती है कि नहीं निकलती है। टायर आप मेरा देख सकते हो अभी ना, ब्लैक आइस तो नहीं है, ब्लैक आइस जमने वाली है, बर्फ के ऊपर मेरा टायर है और 2H में गाड़ी है, देखते हैं। मेरे को पता था स्पिन कर रही है, दिखाऊं एक चीज, ये देखो 4H में को लगाना ही पड़ेगा, और 4H लगाने के लिए कुछ नहीं करना है ना, मैं आज बता ही देता हूँ यार, सोचा था वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। ये ना पीछे को खींचा, गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, क्लच दबा के रखना है आपने, 4H लगा हुआ है, फर्स्ट गियर लगाइए,
इजीली देखो यहाँ, और एक्सीलेटर पे कंट्रोल करिए देखो नॉर्मल। अगर मैं ओवर एक्सीलरेट करता ना तो टायर ने और स्पिन होना था, 4H में भी क्यों ना। गाइस अभी ना मैं पहुंच चुका हूँ कलसिंग वाले मोड में, जहाँ पे की गाड़ियाँ नहीं चढ़ती है, और यहाँ से ना गोप्रो ऑन कर देता हूँ मैं। गोप्रो से लेते हैं अब आगे के शॉट्स यार। और मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे रियलिटी में ये लाइट ना ब्लिंक नहीं कर रही है, जब कैमरे में पता नहीं ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ना, कलसिंग वाले मोड में ना काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, और मैंने ना 4H लगाया हुआ था हाई गियर, और एक्सीलेटर फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखा था, और एक्सीलेटर बिल्कुल नॉर्मल दिया था, स्मूथली चढ़ गई है। बताया टायर ना एक जगह भी स्पिन नहीं हुआ है मेरा। गाइस अभी पता है मेरा 4x4 मैंने लगाया नहीं है, और 2H में चला हूं मैं। बर्फ़ आप देख सकते हो आगे, वैसे मेरे को ना ज़रूरत नहीं पड़ रही है 4x4 लगाने की, 2H में निकल गई गाड़ी। ईजी बॉय ईजी। तो गाइज अभी हम लोग रुके हुए हैं एवलांच वाले एरिया में, और ना गाड़ी मैंने लगा दी है बिल्कुल सेंटर में, और आपको पता है क्या, मैंने कम से कम बता रहा हूँ 4-5 बार ऊपर नीचे कर दिया, पता है वो भी अब बढ़िया सा शॉट लेने के लिए। तो अभी गाड़ी लगी हुई यहाँ पे, लेंगे बढ़िया बड़े शॉट्स लेंगे, फोटोज़ अच्छे अच्छे खींचेंगे, क्योंकि यहाँ ना फोटोज़ अच्छी आ रही है। तो फोटोज़ आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लीजिए, इंस्टाग्राम का हैंडल है गाय फ्रॉम मनाली, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके चेकआउट कर लो, और ना जिसने फॉलो नहीं किया होगा ना जाके फॉलो भी कर लेना। यार बाहर ना धूप भी लगी हुई है, और साथ साथ में ना बर्फ भी पड़ रही है, लाइव स्नोफॉल। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं आगे डैम के पास, और ना यहाँ पे पता है बर्फ स्टार्ट हो चुकी है, और ना काफ़ी अच्छी बर्फ लगी हुई है पाउडर वाली, और सारे यहाँ पे स्नोबोर्ड स्की लेके आए, मज़े कर रहे सारे। मेरे को भी लाना चाहिए था साथ में, अब देखते हैं 1 या 2 दिन में आऊँगा मैं, क्योंकि बेबीज़ भी बीमार हैं ना घर पर, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर मैं आऊँगा तो सिर्फ स्टे करने के लिए आऊँगा 1-2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आना है, कम से कम 2 दिन के लिए आएंगे, 1 दिन स्टे करेंगे और अगले दिन भी बोर्डिंग करेंगे। तो 1-2 दिन में प्लान बनाते हैं, बर्फ़ भी काफ़ी अच्छा है, और अभी फोटोज़ का खींचते हैं यहाँ पे, उसके बाद निकलते हैं वापस। और ना गाड़ी मैंने लगा दी है यहाँ पे, और आप देख सकते हो सारे ना बोर्डिंग वगैरह करके आ रहे हैं, वो ऊपर टॉप से पता है वहाँ से आ रहे बोर्डिंग करके। यार अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस मनाली के लिए, क्योंकि ना अभी हल्की हल्की धूप है आगे, और हम लोगों को कई स्पॉट्स अच्छे दिखे थे जहाँ पे की फ़ोटोज़ अच्छी आएगी, तो मिस नहीं करना चाहते हम लोग। अभी तो वहाँ देख सकते हो आप बादल आ गए हल्के से ना वहाँ पे, बट क्लियर हो जाएगा, मतलब बादल जैसे ही हटेंगे ना धूप आएगी और अच्छी फोटोज़ आएगी, तो इसीलिए हम फोटोज़ के चक्कर में बस 10-15 मिनट बैठे वहाँ पे और निकल गए। अभी आप देख सकते हो जीजू गिर गए नीचे, पता है स्लिपरी है ना, स्लिपरी है यार, लगी तो नहीं आऊँ मैं यार। अभी गाड़ी स्लाइड हो रही थी यहाँ से, पता है ऊपर मैंने हल्की सी ब्रेक मार रहा था, गाड़ी ऐसे स्लाइड होकर नीचे गई, तो चलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप भी स्लाइड होकर आए और नीचे आके डुम, कैप्चर नहीं हो पाया हो बट मैंने देख लिया, मैंने कहा कैप्चर नहीं हो पाया हो ना बट मैंने देख लिया। यार बर्फ़ ना बहुत अच्छी है यहाँ, देखो ना ऊपर नीचे वाली तो पुरानी है, ऊपर ऊपर वाली है देखो पूरी पाउडर है। यहाँ देखो मेरे को मिल चुका है शैडो, शैडो देखो तो अब पट्टा भी लग गया, पिछले बार तो पट्टा भी नहीं लगा था तेरे को ना, शैडो बच्चा ऐसा हेल्दी है, और ये पता है 1 साल का है सिर्फ। नमस्ते आचो, कैसे हो आप, बड़े टाइम बाद मिले आप, सही बात, कैसे आपका काम, काम ऐसे ही ठंडा है यार। शैडो को ना मैंने सिर्फ एक आवाज़ डाली और भागता हुआ है, शैडो आ जा, अभी देखना वहाँ पे मेरी बात नहीं सुन रहा था और यहाँ पे एक आवाज़ डाल के आ गया, शैडो आ जा, खाएगा कुछ, शैडो कुछ खाएगा, कुछ खाएगा तू, बिस्किट खाना, बिस्किट खाना, चलो बिस्किट खाना, तू खाएगा बिस्किट, बहुत फ्रेंडली यार है। यार शैडो तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा, पता इसने वो देखो नीचे फेंक दिया ना, पीछे से एक और डॉग आ गया ये खा रहा है, अब शैडो खा ले, नाक से मार रहा है यार इसको, देखो शैडो ले आराम से ले। इस वाले डॉगी को मैं नहीं दे सकता यार, क्योंकि ये पता नहीं किसका है ना, उसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, ये हाथ ना खा ले आराम से ले, इसको नहीं ना दे सकता मैं मुँह में, कहीं खा ना ले, इसको दे सकता हूँ मैं, ले शैडो। तो गाइस अभी ना हम लोगों ने ऑर्डर कर दी है मैगी और चाय, वैसे तो दाल चावल भी बने थे ना चो, लेकिन जीजू का मन है मैगी खानी है। तो यार यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं मनाली की तरफ को, पेट पूजा हम लोगों ने कर ली है, चलते वापस ना।
और तो नहीं खींचनी फोटोज? नीचे बहुत फोटोज खींच लिया आज हमने, इंस्टाग्राम ना भरने वाला है बुरे हाल से। वेदर तो साफ है आ गया यार। और बर्फ लग गई बताए, हल्की हल्की यहाँ पे लग चुकी है बर्फ। तो यार अभी के लिए ना गाड़ी कर दी है मैंने यहीं पे पर, और ना मेरे को हट में जाके स्नोबोर्ड लाना है। मेरा स्नोबोर्ड ऊपर है, लेके आते हैं। चलिए जैसे जैसे नीचे को जा रहे हैं ना बर्फ ही नहीं पड़ रही है। देखो सेतन साइड बर्फ पड़ रही थी और वहाँ पे देखो पूरा वाइट वाइट है, उस साइड बर्फ लगी हुई है और ये नीचे साइड को कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर। स्नोबोर्ड डाल दिया मैंने अंदर और चलते हैं अब यहाँ से नीचे को डायरेक्ट, क्योंकि ना वीडियो भी अपलोड करनी है मेरे को घर पर जाके। हाँ जी बॉस्को, बॉस्को आ जा यार। ये ना इसने गाड़ी देखी मेरी और पीछे से भाग भाग के आया पता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर और ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज पता है। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमारी कि इतनी ज़्यादा स्नो होगी ऊपर सेतन में, बट काफ़ी ज़्यादा थी और अभी भी लगी हुई थी स्नो। तो अगर ऐसी सुबह तक पड़ती नहीं तो और ज़्यादा टिक जाएगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी के सीन्स कुछ ऐसे है कि अभी मैं घर पहुंच गया हूँ, इसके अभी मैं ऑफिस में हूँ, घर नहीं पहुंचा हूँ, जीजू के ऑफिस में हूँ अभी मैं। इसके बाद निकलूंगा यहाँ से घर को और घर जाके ना वीडियो भी अपलोड करनी है और बहुत सही टाइम पे आया हम, 7 बज चुके हैं अभी और 8 बजे वीडियो आनी होती है ना, तो अभी टाइम है मेरे पास। तो इसके बाद निकलता हूँ मैं घर को, घर जाके मिलता हूँ आप लोगों को मैं। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर और टाइम अभी हो चुका है 7:38। मेरे पास ना अराउंड 22 मिनट्स है व्लॉग अपलोड करने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं ना व्लॉग अपलोड कर देता हूँ। और आई होप आज आप लोगों को मज़ा आया होगा। सेतन जाने का प्लान भी सडनली बना है हमारा यार, पहले तो प्लान्स नहीं थे ना, फिर मैंने कहा चलो बोर हो रहे हैं निकलते हैं सेतन को, फिर जीजू और मैं ही गए। तो चलिए आज के इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड और मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।